हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। आई लव यू ऑल, एंड आपकी वजह से ही मैं वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि कोई देख रहा है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा दुगनी हो जाती है। आज का वीडियो होने वाला है ज्वेलरी हॉल पे। मुझे किसी ने पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी डियर, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले वो कमेंट पढ़ी थी और अब मैंने सोचा कि ये ज्वेलरी हॉल मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये जो ज्वेलरी हॉल है, वो मेरी दोस्त है एक जो खुद ज्वेलरी बनाती है, उसके यहाँ से परचेस की हुई ज्वेलरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये हैंडमेड ज्वेलरी है। ओके, तो अगर आप देखना चाहते हो कि मेरे ज्वेलरी हॉल में क्या क्या है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ इट्स फ्री एंड यू नो कि मेरा चैनल ग्रो होने में वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एज आई सेड अर्लियर, इट्स हैंडमेड एंड ये ज्वेलरी मेरी फ्रेंड जो है, जिसका ये बिजनेस है, वो और उसके साथ काम करने वाले लोग जो है वो मिलके बनाते हैं। और बाकी ज्वेलरी आपको मिलेगी रस्ते पे वगैरह सस्ते में, लेकिन ये वैसी नहीं है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मैंने ये मेरे पहचान वालों को भी कुरियर करी थी, तो सबके तरफ से रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। स्पेशली ओकेजन्स के हिसाब से भी वो लोग बनाते हैं। तो आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी, आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं सेम डे शूट कर रही हूँ करवा चौथ वाला। तो करवा चौथ के लुक के लिए मैंने जो पहनी थी ज्वेलरी, उसी के साथ पास से ली हुई है 10 वन। ये मुझे बेहद पसंद आया है, और आपने अगर वीडियो देखा होगा तो वीडियो में वो इस साड़ी के साथ एकदम अच्छे से जा रहा है, और ये बहुत ही काफ़ी रिच लुक देगा आपको। और ये बड़ा लंबा है, और आपको ये पीछे से ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, ये डोरी जो है वो लगाई हुई है, तो ये इजीली आप पहन सकते हो। आपने मुझे देखा होगा वो पहने हुए, मैं आपकी आपको नहीं पहन के दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का है, और ये काफ़ी बड़ा नेकलेस है, और इसके ऊपर जो इयररिंग्स लिए हुए हैं, तो वो इयररिंग्स मैंने उस दिन पहने थे, वो ये इयररिंग्स थे, ये इयररिंग्स मैंने उस दिन पहने हुए थे। और उसके साथ मैंने जो लिए हुए हैं वो ऐसे भी है स्टड्स टाइप में, तो ऐसे सिंपल एक मोती है बस। तो वो आप वैसा भी पहन सकते हो, अगर आपको बड़ा वाला पसंद ना हो तो बड़ा वाला कुछ इस तरीके का है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये नेकलेस का जो पेंडेंट है वैसा ही डिज़ाइन है इसका भी, सी, तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये आप कुछ भी अगर इंडो वेस्टर्न पहन रहे हो तो उसके साथ भी ये डेफिनेटली जाएगा। और अगर आप साड़ी पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, लहंगा पहन रहे हो, तो क्या बात, क्या कहना। ये सब जो ज्वेलरी है वो मोस्टली इंडियन वेयर पे जाने वाली ज्वेलरी ही मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो या दिस वाज द मोस्ट फेवरेट ज्वेलरी, जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और इसके बाद की सब मैं आपको एक एक करके पहन के दिखा दे दूँगी। नेक्स्ट जो है वो है ये नवरात्रि स्पेशल। ये जो है ये ऐसा, ये मैंने मम्मी के लिए मंगाया था, तो ये ऐसा मंगलसूत्र है। ओके, और ये मंगलसूत्र आपको इधर तक आएगा, और ये इसके साथ ये ऐसा है पेंडेंट जो है, तो ये चेंज कर सकते हो आप, यहाँ से जो हुक्स दिए हुए हैं उससे आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो आपको नवरात्रि के जो कलर्स होते हैं उस कलर्स के आपको हुक्स मिल रहा है इसमें, ये देखो सब कलर के। तो नवरात्रि में जब आप अलग अलग साड़ी पहनोगे तो उस हिसाब से आप इसका जो पेंडेंट है वो चेंज कर सकते हो, आपको सब पेंडेंट्स मिले हुए हैं। और इसमें अलग अलग डिज़ाइंस भी है, ऐसे नहीं कि सिंपली ये है। और इसके साथ आपको ये ऐसे वाले इयररिंग्स भी है मैचिंग, तो ये देखो, तो इयररिंग्स जो है वो कुछ इस तरह के, सी, छोटू से। ये सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने ली थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है ना, मतलब किसको पसंद नहीं है ऐसे कुछ फैशनेबल ट्राई करना। तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो है ये महाराष्ट्रियन ज्वेलरी है। इसके साथ इयररिंग्स नहीं ली हुई है हमने कोई मैचिंग, तो ये पूरा हमारा चोकर जैसे रहता है गले में, उस टाइप की रहती है ये ज्वेलरी। आप ऐसे भी पहन सकते हो, लेकिन ये ऐसा रहता है पूरा गले पे, तो ये कुछ इस तरह से ये इसके साथ भी जा रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ना। वैसे तो मेरा गला बड़ा है, आपका अगर गला छोटा होगा तो आपको ये पूरा इधर तक आ जाएगा, मुझे इतना पूरा कवर हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह का है चोकर टाइप में। ओके, तो ये पूरा हाथ से बनाया हुआ है, एंड इट्स क्वालिटी इज़ रियली वेरी गुड। और हाँ, अगर आपको भी मंगाना है तो आप मंगा सकते हो, पहले देख लो फिर बाद में मैं बताती हूँ, क्योंकि वो घर पे भी कहीं पे भी आप हो तो डिलीवरी भी देते हैं, मतलब ये नेक्स्ट है। ये आपने देखा होगा इफ़ यू रिमेम्बर, गणपति के टाइम पे जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने ये पहना हुआ था,
अगर आपने देखा नहीं है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, महाराष्ट्रियन लुक मैंने क्रिएट किया था उस टाइम पे, और उसके साथ ऐसी ही सेम मैचिंग इयररिंग्स मिलती है आपको। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो रियली वेरी प्रीटी। और हाँ, इसमें किसी भी चीज़ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। देन नेक्स्ट थिंग है ये कमर पट्टा है, तो हिंदी में कमर पट्टा ही बोलते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन मराठी में वैसे बोलते हैं उसको। तो जो ये रहता है ना साड़ी पे, आप वेस्ट वेस्ट बेल्ट कह सकते हो आप इंग्लिश में इसको शायद, तो कुछ इस तरह का है ये। तो आप तो ये ऐसे आएगा, ओके, तो मैं तो ऊपर दिखा रही हूँ लेकिन ये थोड़ा नीचे आता है कमर पे, तो इस तरह से ये आएगा। इसका डिज़ाइन जो है वो ऐसा है, और ये देखो, देख सकते हो, और ये काफ़ी स्टर्डी है डिज़ाइन। और आपको चेन भी साइड में दोनों एक्स्ट्रा दी हुई है, सो दैट आपके साइज़ के हिसाब से कर सको, एंड दिस इज़ रियली नाइस। और ये ऐसा सिंगल सा बहुत अच्छा दिखता है, और अगर आपकी पतली कमर है तो आप पे एक नंबर दिखे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया, ये भी चोकर टाइप में ही है, ये देखो, सो ब्यूटिफुल। ये आप वेस्टर्न पे भी पहन सकते हो, अगर आपने कुछ ऐसे पार्टी वेयर टाइप वन पीस पहना है, अम्ब्रेला, तो जो गाउन्स रहते हैं ना बॉल के लिए वगैरह, उस टाइप में होगा तो सी ये कुछ इस तरह से आएगा। इट्स वेरी नाइस, नॉर्मल टाइप का जिनका गला होगा ना उनको इधर तक आराम से आ जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। ये देखो, आप इसको वेस्टर्न पे भी पहन सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ ये बहुत अच्छा दिखेगा वेस्टर्न वेयर पे भी। इसके साथ सिंपल से है इयररिंग्स लिए हुए मैंने जो है, बाल सब खराब हो जाते सी, मैं मंजुलिका लग रही हूँ अभी, हनी मंजुलिका। जो डिज़ाइन है देख सकते हो उस टाइप का, ये इसके इयररिंग्स है, तो ये काफ़ी क्यूट है छोटे। नेक्स्ट जो है वो भी ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन काइंड ऑफ ज्वेलरी है, ये पर्ल्स का है, मोती मोती है ये, ओरिजिनल मोती नहीं है ऑब्वियसली, ओरिजिनल मोती बहुत महंगे आते हैं। तो ये पहन के दिखाती हूँ, इसके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं होगा ये साड़ी पे, लेकिन अगर आप जिस साड़ी को हम काठा पदराची साड़ी बोलते हैं उस पे पहनोगे तो ये बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। ये देखो, कुछ इस तरह का पेंडेंट है, पेंडेंट इज़ सो अमेजिंग, एंड सी इसके साथ आपको इस तरह की, कुछ इस तरह का आपको इसके साथ इयररिंग्स मिल जाए। एक्चुअली ये हैंडमेड ज्वेलरी है, तो ये आपको बाकी जगहों पे नहीं मिलेगी, तो आपको ये मंगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है ये कुछ इस तरह का, ये आपको अगर आप मंगलसूत्र की तरह यूज़ करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, एंड इट्स लुकिंग रियली वेरी नाइस, अच्छा दिखेगा साड़ी पे, ड्रेस पे, आप जिस चीज़ पे चाहो वैसे पहन सकते हो। एक्चुअली ये मंगलसूत्र नहीं है, लेकिन फिर ये मंगलसूत्र के जैसा उसके सिवाय यूज़ किया जा सकता है। और ये बीच में का जो है वैसा इसका कान का है सी, तो उस तरह की इयररिंग्स है जो बीच का पार्ट है। नेक्स्ट है, बहुत ही बढ़िया दिखती है, आपको दिखाती हूँ, ये देखो, कैन यू सी दिस लुक्स फैबुलस। ये मेरे गले में नहीं दिखेगी शायद अच्छा, क्योंकि मेरा गला बहुत बड़ा है, ये मेरी मम्मी के गले में जाता है, मेरी मम्मी का गला मुझसे छोटा है सी, नॉट सो बैड, लेकिन मेरे गले में कैसे पूरा नहीं जा सकता ऊपर ये ऐसे सी, बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ जो इयररिंग्स है वो ऐसी है, तो दिस इज़ रियली वेरी नाइस। और इसके बाद आई हैव दिस, कोल्हापुरी साज कहते हैं इसको, महाराष्ट्रियन ज्वेलरी है ये, और ये थोड़ी सी महंगी मिलती है, मैं प्राइस आपको दे दूँगी यहाँ पे, कुछ इस तरह से दिखती है, और ये देखो ऐसे देख के लग रहा है सोने का ही है। तो ये महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, ये देखो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका, महाराष्ट्र में इसको कुड़िया बोलते हैं, तो इस टाइप का इसका कान का है, जिस जैसा इसका पेंडेंट है उसी टाइप का, तो इसका कान का कुछ इस तरह का है, कुछ ओ मेरी बिल्ली इस तरह का है सी, इट लुक्स ब्यूटिफुल। नथ भी ली हुई है, जो महाराष्ट्रियन नथ होती है, मैंने उस दिन पहनी थी वो मोती की थी, और ये पूरी गोल्डन है, आपको पहन के दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में ज्वेलरी नहीं है, लेकिन एक्सेसरी कह सकते हो ज्वेलरी जैसा, वो है ये क्या है, तो ये है सी, मैं नहीं देख सकती आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये ऐसे बालों में जूड़े पे डालने के लिए आर्टिफिशियल कचरा है, तो ये आप पेन के हेल्प से आप
ये फिक्स कर सकते हो, ऐसे ही एक साथ होगा तो ठीक है, बाल बड़े होंगे तो अलग अलग से भी फिक्स कर सकते हो, नीचे के साइड से पता नहीं चलेगा किसी को जुड़े। नेक्स्ट है ये मंगलसूत्र, जो हमने वो पैटर्न देखा था ना नवरात्रि वाला, उस टाइप का इधर ये है ब्लैक लगा हुआ, और उसके बीच में उन्होंने ये ऐसे पेंडेंट टाइप डाला हुआ है, सी ऐसे छोटू सा मंगलसूत्र है, और उसके साथ ये बीच में जो है वैसे ही सेम ईयर रिंग्स भी है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट डिज़ाइन। वो हमेशा नए नए डिज़ाइन लाते रहते हैं, जिनको ट्रेडिशनल ज्वेलरी में इंटरेस्ट है वो मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो, मैं उसको बोल दूँगी आपको एड्रेस पे भेजने के लिए। लेकिन हाँ, उनको पहले पेमेंट करना पड़ता है जीपे या ऑनलाइन कुछ भी हो। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, दिस इज़ वेरी क्यूट एंड नाइस थिंग, बालों में लगाने के लिए जूड़ा आप बनाओगे, उसके बाद ये आप ऐसे डालोगे बालों में, मैं अभी नहीं डालूंगी, तो सपोज़ ऐसे बालों में ऐसे ही बस सरका देना है, देखा ऐसे बस जूड़े में डालने के लिए, मैंने आज पूरी वाट ही लगा दी है ना बालों की, तो ये कुछ इस तरह का है, दिस इज़ सो प्रिटी, यू नो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ये वीडियो डेडिकेटेड था बस उसकी ज्वेलरी के लिए। तो अगर आपको कुछ पसंद आया हो और अगर आप कुछ और डिज़ाइंस है उनके पास वो देखना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। और हाँ, मैंने जैसे बताया कि वो लोग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको पहले पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपको आपकी ऑर्डर मिल जाएगी, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, आपको आपकी चीज़ के साथ कोई रॉन्ग मतलब ऐसे कोई फंसाएगा नहीं, इसकी गारंटी मेरी, क्योंकि ये मैं पूरी अपने ऊपर लेती हूँ कि वो खुद बनाते हैं, उनके उसके अंडर जो औरतें काम करती है वो बनाती है, तो उस वजह से वो डिज़ाइंस काफ़ी स्टडी होते हैं, हैंडमेड है तो अच्छी क्वालिटी का सब है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, उसने मुझे ऐसे नहीं बोला था कि शेयर करो, लेकिन मैंने सोचा कि अगर थोड़ा सा हो जाए अपनी तरफ से हेल्प तो क्या बात है ना। हाँ, लेकिन मैंने इतना जब ज्वेलरी खरीदा था तो मैंने सोचा बस आपके साथ शेयर कर दूँ, शेयर करने में हर्ज क्या है ना, अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो रीज़नेबल प्राइस है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनको भी ज्वेलरी पसंद है ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना आपको कौन सी ज्वेलरी पसंद आई, इस सब ज्वेलरी में से आपका कौन सा फेवरेट पीस था, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ऐसे नहीं लगता, अब तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर किया होगा, लेकिन अपने दोस्तों को ज़रूर बोलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करें, और जल्द ही नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, आई लव यू ऑल। Have a great time. See ya. Bye-bye.